फ्यूचर है, सुपर टेक्निकल पावर है, तो मैंने इसमें फ्यूचर टाइप कर दिया। इसके बाद ओके करेंगे तो हमारे नाम की कैटेगरी तैयार हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर है सुपर टेक्निकल पावर में, और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैटेगरी बनाना। इसके माध्यम से आप क्लिप आर्ट में अपने नाम की कैटेगरी बना सकते हैं। तो क्लिप आर्ट में कैटेगरी बनाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं क्लिप आर्ट में अपने नाम की कैटेगरी बनाता हूँ। तो क्लिप आर्ट में कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैंने क्लिप आर्ट के ऑप्शन में जाने के लिए पहले वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ इंसर्ट वाले मेनू बार को सिलेक्ट करके पिक्चर और फिर क्लिप आर्ट, यहाँ एक क्लिप आर्ट वाली विंडो ओपन हो जाती है। फिर क्रिएट न्यू कैटेगरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है न्यू कैटेगरी, इस पर आप जब माउस पॉइंटर रखेंगे बताएगा क्रिएट न्यू कैटेगरी। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे नेम मांगने लगता है आपसे, कोई भी आप नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने टाइप कर दिया फ्यूचर, अपने चैनल का नाम फ्यूचर है सुपर टेक्निकल पावर है, तो मैंने इसमें फ्यूचर टाइप कर दिया। इसके बाद ओके करेंगे तो हमारे नाम की कैटेगरी तैयार हो जाती है। देखिए हमारे नाम की कैटेगरी शो कर रही है, लेकिन इस कैटेगरी में कोई पिक्चर नहीं है। तो इस कैटेगरी में पिक्चर को कैसे डाला जाता है वो आप देख लीजिए। इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, फिर कोई भी जैसे क्लिप आर्ट की पिक्चर डालनी है तो वहीं से आप इंसर्ट करा लेंगे, यदि वॉलपेपर की पिक्चर डालनी है तो ऐसे इंसर्ट वाले मेनू बार पर जाएंगे, इसके बाद पिक्चर, फिर फ्रॉम फाइल। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर डालनी है उसको आपने इंसर्ट करा लिया और पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं। पिक्चर को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप ये क्लिप आर्ट वाले ये जो मिनिमाइज किया था विंडो, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसमें ये फ्यूचर वाले ये जिसमें हमें पिक्चर लगानी है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, या कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस वी के माध्यम से भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेस्ट की शॉर्ट की कंट्रोल वी होती है, तो कंट्रोल वी के माध्यम से भी इसको पेस्ट किया जा सकता है। यदि आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए, जो भी पिक्चर आप लगा रहे हैं यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, इसको ओके कर देंगे। ये देखिए आप क्लिप आर्ट की जो आपने कैटेगरी बनाई थी, यहाँ पर आपने फ्यूचर नाम की जो कैटेगरी बनाई थी, इस फ्यूचर नाम की कैटेगरी के अंदर ये पिक्चर शो होने लगी है। यदि आपको कोई वॉलपेपर की पिक्चर की जगह कोई क्लिप आर्ट की पिक्चर को लाना हो तो यहाँ से आप उस क्लिप आर्ट की पिक्चर को पहले इंसर्ट करा लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने नाम की कैटेगरी में आपको जाना होगा। सबसे पहले फ्यूचर नाम की कैटेगरी है तो फ्यूचर नाम की कैटेगरी के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये फ्यूचर नाम की कैटेगरी है, इसमें हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं या कंट्रोल वी के माध्यम से भी पेस्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हम क्लिप आर्ट में अपने नाम की कैटेगरी बना सकते हैं और उसमें पिक्चर को लगा सकते हैं।